दिल शेर। और कितना बेताब है तुम्हारा पुत्र। अरे साहबजादे, थोड़ा सब्र से काम लो हैं? अभी तो हम जा रहे हैं सतारा के घर, खुशखबरी तो वापस आकर ही सुनाएंगे। आप सतारा के घर रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे। मगर क्यों रुस्तम, तुम तो मैंने कह दिया ना मॉम, आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। रुस्तम चौधरी साहब, ये क्या हरकत की है उसने? यहां हम पूरी तैयारी किए बैठे हैं और साहबजादे आकर फैसला सुनाकर मना कर गए। ये अहमियत है उसकी नजर में हमारी और हमारे फैसलों की। मैरुन्निसा बेगम, तुम तो कहती थी रुस्तम और सितारा एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये पसंदीदगी है उनकी। मैंने आपसे कोई गलत बयानी नहीं की। मुझे रुस्तम ने खुद बताया था कि वो सितारा को पसंद करता है। अब ना जाने उन दोनों में ऐसी क्या बात हुई है जो उसने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। ओ, मैंने जब भी तुम्हारी बातों में आकर कोई फैसला लिया है ना, वो जलील हुआ हूं। होल्डिंग खुद से दिखाइएगा, 7 नंबर। आओ बैठो। तो लगता है तुम भी देखने आई हो मैं जूतों की दुकान पे कैसा लगता हूं। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो ये देखने आई हूँ कि इतना निडर और बेबाक इंसान असलियत खुलने पे क्यों डर के क्यों बैठ गया। असलियत, मैं लगता है ये जूतों की दुकान दुआ करो ये असलियत ना ही खुले किसी पे, वरना ये शहर कांप उठेगा। और जहां तक बात रही यूनिवर्सिटी ना आने की, ट्रेनिंग स्कूल जा रहा हूं मैं तुम्हारे चैंपियन से फाइट लड़ने। मैं ये कहने आई हूं कि लड़ाई छोड़ दो तुम। तुम चाहो तो आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ, बस तुम ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। वो बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें जान से मार देगा। मोहब्बत वोब्बत तो नहीं हो गई तुम्हें मुझसे? पागल हो गए हो? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों बचाना चाहती हो तुम मुझे? मैं चाहती हूँ कि लड़ाई ना हो, इसमें किसी को कोई फायदा नहीं है, तुम दोनों का सिर्फ नुकसान है। तुम्हें वाकई लगता है वो मुझे जान से मार देगा? हाँ दिलशेर, वो चैंपियन है, वो हारेगा नहीं, जान ले लेगा वो तुम्हारी। छोड़ दो ये लड़ाई। ठीक है, एक शर्त पे नहीं लड़ूंगा। तुम ये मान लो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। सुनो, वीकेंड पे लड़ने आऊंगा मैं,
मोहब्बत ना हो तो उन्हें देना जो होता है। मैं हंस के जान दे दूंगा। फाइनली एक और चलो ना। एक एक ही है, आता हूँ मैं एक मिनट सिर्फ। रुक जाओ भाई, भारी तुझे नहीं, मैं नहीं चल रही, चीटिंग होगी। चीटिंग मेरी या बात नहीं, अरे मुझे ही बता दिया हो तो, अगर आप आ रही थी मैं आपको लेने ही आ जाता। वैसे भी यहाँ पे रिक्शे वाले 2 किलोमीटर का रास्ता 10 किलोमीटर का कर देते हैं पैसे बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम जी, तिरक कैसी? मैं ठीक, यूं अचानक? हाँ तो अच्छा हुआ ना आ गई। पता है खाला, हाजरा से ज्यादा मैं याद करती हूँ आपको। चल झूठी, सच्ची। अब आई गई हूँ तो जमशेद को भी ले आती ना, लाहौर घूमने का बड़ा शौक है। गाँव में बहुत डकैती की वारदातें हो रही है, इसलिए घर छोड़ा। सब खड़े पूछ रहे हैं अचानक कैसे आ गई, खबर तो बता दो हमें भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बुशरा? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैंने बुलाया है तुम्हारी खाला को बहुत जरूरी मकसद के लिए। मैंने फैसला किया है कि दिलशेर और हाजरा का निकाह कर दिया जाए। अंदरों अंदर रोंदा है दिल, रुल रुलटी सा खाके। हाजरा से निकाह मतलब कुछ भी सोच लेंगे अब्बा, और हमें वो करना पड़ेगा। फिर जज्बाती बातें करके ब्लैकमेल भी करेंगे हमें। रेशमा बता रहा हूं तुझे मैं, इस दफा तेरी कस्मों का वार भी नहीं चलेगा मुझ पे। जाके बता दो सबको मैं नहीं शादी करने वाला हाजरा से, बहनों जैसी है वो मेरी, और मुझे इस दफा किसी ने जबरदस्ती की ना, बता रहा हूं तुझे, घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। बता दे जाके अब्बा जी को। दिलशेर बात तो सुन। नहीं अम्मा, मैं कैसे कर लूं दिलशेर से निकाह, वो बिल्कुल जमशेद की तरह है मेरे लिए। आपस में पहले करीबी रिश्तों में एक दूसरे को बहन भाई कहते हैं, और जब शरीयत में इसकी कोई ममानियत नहीं है तो तू क्यों खामखा बिला वजह अपनी तरफ से जवाज घड़ रही है? मैं शरीयत की बात कर ही नहीं रही, मैं तो मोहब्बत की बात कर। मैंने सुल्तान के अलावा आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की, तो मैं कैसे दिलशेर से निकाह कर लूं? देख हाजरा, इस वक्त तू जज्बाती हो रही है, जज्बात से निकल और हकीकत का सामना कर। और हकीकत यह है कि सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उसका तो कोई वजूद ही नहीं है अब इस दुनिया में। देख अभी तेरी उम्र ही क्या है, पहाड़ जैसी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है, और मर्द के सहारे के बगैर तू ये जिंदगी का सफर कैसे तय करेगी? रेशमा की शादी हो जाएगी और दिलशेर की बीवी आ गई, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हकीम अली को कुछ हो गया तो तेरी इस घर में क्या हैसियत रहेगी? देख अभी भी वक्त है, तूने इस घर में रहने का फैसला कर ही लिया है ना, तो इस घर में रहने की तदबीर भी कर ले। मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझसे नहीं होगा ये, कह दिया मैंने। मेरे सर पे क्यों खड़ी है तू? जा जाके समझा इसे, उससे कहो ये चीखना चिल्लाना बंद करे, कोई अनहोनी बात नहीं हो रही है, होता आया है ये हमेशा से, बेवा भाभी के साथ शादी करनी पड़ती। और फिर तुम मुझे बताओ मैं कब तक हाजरा का ख्याल रखूंगा? आज वो कमीना, वो क्या नाम है उसका, जो भी है उसने खत फेंका है, कल कोई और होगा तो फिर क्या करूंगा मैं? आपको पता था कि वो किसी बच्चे का पेपर नहीं खत था? बिल्कुल पता था, इसलिए कि बच्चों के पेपरों में से ऐसी खुशबू नहीं आती है। हाँ लेकिन अब्बा जी, दिलशेर और हाजरा दोनों को ये निकाह कबूल नहीं है, और अगर इस खत की वजह से उन दोनों को सजा मिल रही है तो ये बहुत छोटी दलील है। कल को अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो आप इसी तरह चुटकियों में मेरा भी निकाह कर देंगे। तो बात को अपनी तरफ क्यों लेके जा रही है? मैं ठीक कह रही हूँ अब्बा जी, वहां से हम उस
गुंडे चौधरी की वजह से हिजरत करके आए हैं और यहाँ किसी कमीने की कमीनगी की वजह से हमारे घर में बिगाड़ पैदा हो रहा है। अब्बा जी, आप कभी इतना डरते तो नहीं थे। नहीं, मेरी बात सुन अंकल। आंटी सितारा के घर तेरा रिश्ता लेने गए थे और दोनों ने ना बोल दी। हेलो भाईजान, कुछ मुझे भी बताएं क्या चल रहा है आपके दिमाग में। दिमाग तो दूसरे चल रहा है यार, सितारा का दिमाग खराब हो। आप कहीं मैडम को छोड़ने का तो नहीं सोच रहे? नो, काश उसकी मेरी वर्ड या उसको मेरी फीलिंग्स की कदर होती। और उस दिलशेर को तो मैं समझते इज डन। ये हुई ना बात, ब्रो सब कुछ फिट हो जाएगा ब्रो, इजी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अम्मा को इनकार कर चुकी हूं। अगर फिर भी अब्बा ना माने तो मैं अम्मा के साथ चली जाऊंगी। और ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि जब दिल चाह कह दिया लड़की पसंद है और जब मूड खराब हुआ तो इनकार कर दिया। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जवाब दो अपनी समाकत का। मैरून निसा बेगम, तुम ही पूछो अपने लाडले से कि इसने क्यों मना किया शाहनवाज की तरफ जाने से। रुस्तम बेटा, तुमने मुझे खुद बताया था कि तुम सितारा को पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो। हम तुम्हारी ख्वाहिश के एहतराम में शाहनवाज के घर जाना चाहते थे, फिर यकायक ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने इस रिश्ते से मना कर दिया? मॉम, जब मैंने सितारा से पसंदीदगी का इजहार किया था तो आपको कुछ और भी कहा था। लगता है आपने डैड को उस बात से आगाह नहीं किया। कोई और बात भी है मैरून निसा, जिसे मैं बेखबर हूं। सितारा के डैड फाइटिंग से नफरत करते हैं। वो मार्शल आर्ट चैंपियन डैड, आप ही बताइए मेरी शादी कैसे हो सकती है उससे। चौधरी साहब, अब आप खुद ही फैसला कीजिए, या तो आप सितारा को बहू बना के लाना चाहते हैं या फिर अपने बेटे को नेशनल लेवल चैंपियन बनाना चाहते हैं। मैंने ये फैसला किया है कि दिलशेर और हाजरा का निकाह कर दिया जाए। वाकई लगता है वो मुझे जान से मारने पर। हाँ, दिलशेर वो चैंपियन है, वो हारेगा नहीं, जान ले लेगा वो तुम्हारी। छोड़ दो ये लड़ाई। वीकेंड पे लड़ने आऊंगा मैं, मोहब्बत ना हो तो उन्हें देना जो होता है।
मैं हंस के जान दे दूंगा। आखिर ये किस्सा क्या है यार? हाथ भी फेंक गया मैंने। अगर दिलशेर या उसके बाप के हाथ लगा होता तो अभी तक तो हंगामा हो गया होता, वो फिल्म भी नहीं चली यार। और अगर हाजरा जी के हाथ लग गया खत तो कोई जवाब भी नहीं आया। जवाब भी मोहब्बत नामा ही ना सही, छत पे आके गालां ही कट जांदी यार। भाई साहब, अरे आप सब लोग इधर आओ ना। सिस्टर आप भी इधर आ जाओ थोड़ी देर। भाई साहब आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ, बात करनी है। बड़ी माजरत चाहता हूँ। तो शेर नाम है मेरा, अंदरून में मेरे अब्बा की खुशों की दुकान है, जूतों की। कोई मसला तो नहीं है ना आपको? आपको कोई मसला है? हाँ भाई, मसला है कोई? नहीं। गुड। हाँ भाई चैंपियन, इन सबको मेरी असलियत का पता चल गया और इनको कोई एतराज नहीं है। अब तक इनके सामने सीना ताने खड़ा हूं, समझ तो गया होगा तू। इन जैसों से दबता नहीं हूं मैं, या शायद बॉबी ने नहीं बताया। मेरा हाथ बड़ा भारी है। दिलशेर, बहुत शुक्रिया आप सबका। सॉरी आप लोगों का वक्त लिया। चलो। मैं तो लड़ा भी नहीं हूं, बात की है मैंने। बात को सुनो सितारा। अरे बात कर रहा था, लड़ा कहा हूं? अब्बा जी, दिलशेर रात से घर नहीं आया, न जाने कहाँ पड़ा होगा। हाजरा भी कमरे से बाहर नहीं निकली, देख लें आप दोनों अपने खुद साख्ता फैसलों का नतीजा। सुन रही हो बुशरा? देख रही हो ना, ये सब इनकी मिली भगत है, सब मिले हुए हैं आपस में। भाई हमारी उम्रें गुजर गईं, हम बूढ़े हो गए, मगर इनकी नजर में हमारे फैसले गलत ही हैं। चलो हमारी बात ना मानो, बाहर मोहल्ले से जाके पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, उनका फैसला ले लो, वो बता देंगे कि हम गलत कह रहे हैं या सही, निकाह जायज है या नाजायज। तो क्या मोहल्ले वाले हमारे घर का फैसला करेंगे? अब्बा जी हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है अब मोहल्ले वाले हमें बताएंगे। तो चलो जो हम बता रहे हैं वही मान लो, उनका नहीं तो हमारा फैसला तो मानो। तो ठीक है फिर, निकाह आज ही होगा, तैयारी शुरू कर दो।
ईशा के बाद इंशाअल्लाह आज निकाह पढ़ा दे। बैठ जा हकीम अली, मुझे तेरे से बात करनी है। ये क्या हरकत है दिलशेर, तुम यहाँ झगड़ा करने आए हो, लड़ाई करने आए हो लोगों से? लड़ाई नहीं करने आया मैं, तुम ही तो ताना दे रही थी कि मैं डर के घर में बैठ गया हूँ। इसलिए नहीं कहा था मैंने ये। और तुम लड़कों का प्रॉब्लम क्या है, लड़की को अपनी अना का मसला बना के उसके पीछे लड़ने लग जाते हो? कहाँ है तुम्हारी वो फिलॉसफी कि तुम्हें मैं दुनिया से छुपा के रखना चाहता हूँ? ये छुपा के रखना चाहते हो? पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरा तमाशा बना दिया तुमने, इसको तुम इज्जत कहते हो? इस जिल्लत को, इस रुसवाई को? मैं समझती थी तुम मुख्तलिफ हो दूसरे लड़कों से, लेकिन तुम भी वही निकले ना, बिल्कुल रुस्तम की तरह। रुस्तम जैसा नहीं हूं मैं, रिस्पेक्ट करता हूं तुम्हारी और मोहब्बत भी, बस वो जब इस तरह की औखी हरकतें करता है ना, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाता हूं मैं। तो चाहता इतना मारूं कि खैर चलो छोड़ो। चलो बस भी करो, लड़ा थोड़ी हूं। लड़ना है ना तुम्हें? लड़ना चाहते हो तो यहां तमाशा करके कुछ नहीं मिलेगा। अभी वीकेंड पे फाइट है, अपने इन बाजुओं का जोर दिखाना है ना, तो वहां जाके लड़ो। माही मैनू रंग दा, आई प्रॉमिस मैं खुद आऊंगी देखने के लिए। और याद रखना, मुझे चैंपियंस अच्छे लगते हैं। इश्क दा मारा वे तू, इश्क दा मारा बजे आना गाना ढोल पीटे जग सारा वे तू, नाच मेरे यारा वे तू, नाच मेरे यारा। देख ये सब गलत हो रहा है, दिलशेर और हाजरा के साथ ज्यादती हो रही है और हम जोर जबरदस्ती करके उन्हें मजीद सजा देने वाले हैं। मेरी जगह आके सोच, ना तुझे ये जोर जबरदस्ती लगेगा और ना ही कोई ज्यादती। तू मर्द है, घर का सरबराह है, इसलिए घर की इज्जत बचा रहा है। मैं एक औरत हूं और माँ हूं, इसलिए हाजरा का मान और गरूर बचा रही हूं। अगर तुझे हाजरा के यहाँ रहने पे कोई मसला है तो मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ। ये बातें क्यों कर रही है तू मुशरा, मुझे खुदा ने खास्ता क्यों मसला होगा? मैं तो बस अब हम मजीद कोई बात नहीं करेंगे और अभी ये निकाह नहीं होगा, हम इसे कुछ वक्त के लिए टाल देते हैं। हो सकता है कि वक्त के साथ साथ बच्चों को हमारी बात समझ में आ जाए और उन्हें हमारा फैसला ठीक लगने लगे, तो फिर निकाह भी हो जाएगा। चलो ठीक है, बच्चों को वक्त दे के भी देख लेते हैं, देखते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। ठीक है तू नाश्ता कर। स्टाइल देखा था उसका, एक फाइट वो जीता है, वो भी तुक्के से, कैसे धड़ल्ले से हमारे आगे खड़ा हो गया था वो। ये सब तेरी वजह से हुआ है ना, तो तू उससे फाइट में हारता ना उसमें इतनी हिम्मत पैदा होती कि वो मेरा सामना करता। तू मेरी फाइट पे तो सब कुछ डाल ही रहा है, तुझे पता उसको पंप किसने किया था? क्या मतलब बॉबी, क्या मतलब? तेरी सितारा नूरी मुझे बता रही थी कि वो कल उसकी दुकान पर गई हुई थी, जाके पूछ उससे कि वहां पर क्यों गई हुई थी।
अगर ये झूठ हुआ ना जबान काट दूंगा तेरी। पहले उससे पूछ फिर मेरी जबान काटी। तो कल तुम उस सड़क चाप की दुकान पर गई हो और उसे मेरे अगेंस्ट तैयार करके लाई। अमेजिंग सितारा, अमेजिंग। लेकिन एक बात याद रखना, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है, मैंने उसको सिखाया सब करने को या वो यहाँ पर मेरे कहने पे आया था? तुम्हारा ना असल में दिमाग खराब हो गया रुस्तम, और कुछ नहीं। ओए, वीकेंड तक क्यों वेट करेंगे हम? अभी चल के ठपते हैं उसे। ए, ये हिजड़ों जैसी बातें मत कर मुझसे, समझा? रिंग पे चैलेंज किया ना उसको, रिंग में हराऊंगा उसे। सुल्तान, दंगल के लिए जा रहे हो? हाँ, अब्बा जी बाहर खड़े मेरे इंतजार कर रहे हैं। आज इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ। नींद की क्या जानी थी बिछड़ने की। सुल्तान, कुछ दिन और मेरे पास रहना चाहते, अब कोई तो निशानी मेरे पास छोड़ जाते। कोई तो वजह होती तुम्हारे नाम पर बैठे रहने की। सुल्तान, हाजरा, कब तक खफा रहोगी हमसे? कम से कम कमरे से तो बाहर आ जाओ। खाला ने अब्बा जी को कायल कर लिया, नहीं हो रही तुम्हारी शादी दिलशेर से। सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। और जल्दी से आ जाओ बाहर, खाला गांव जाने वाली है। जल्दी आना। कल के गए तुम, अब वापस आ रहे हो और अब फिर कहीं चलती हो? रात फिर बाहर गुजारने का इरादा है? ना, अच्छा है, आजकल अब्बा जी से कमी सामना हो मेरा, तुम्हारे भी तो लेक्चर से बच जाऊंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी, अब्बा जी और खाला में बात हो गई है, फिलहाल के लिए बात टल गई है तुम्हारी। फिलहाल का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, खाला जा रही है, आकर मिल लो उनसे। मैंने समझा दिया हाकिम को, वो तुम दोनों से जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। पर दिलशेर, जो हम बड़े देखते हैं ना, वो तुम बच्चों को नजर नहीं आता। घर की इज्जत का घर में रह जाना ही बेहतर है। तुम इस पर गौर जरूर करना, मैं दोबारा आऊंगी तो फिर बात करते हैं इस पर। मेरा बैग बाहर ले जा, मैं सबसे मिलकर आती हूँ, फिर मुझे स्टेशन छोड़कर आ रहे हैं। जी। सितारा के डैड फाइटिंग से नफरत करते हैं, एंड आई एम अ मार्शल आर्ट चैंपियन डैड। हमारी शादी कैसे मुमकिन है, आप बताइए। शाहनवाज को फाइटिंग से नफरत है, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। शाहनवाज जदीद दौर का काई आदमी है, उसे तो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए। आजकल खेल तो सबसे अच्छा बिजनेस है, फिर शाहनवाज को क्या मसला है इससे? सितारा इकलौती औलाद है शाहनवाज की, उसकी शादी रुस्तम से ही होनी चाहिए।
रुस्तम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? फाइट है डैड। आओ थोड़ी देर बैठो, फाइट दो मिनट में कैंसिल थोड़ी हो जानी है, आओ बैठो। यस डैड। या डैड। वो सितारा अच्छी लड़की है, वो तुझे पसंद भी है। जिंदगी में अगर हम सफर मनपसंद मिल जाए तो जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। मेरा ख्याल है तुम्हें उसे खोना नहीं चाहिए। मैं आपको रीजंस बता चुका हूँ डैड। तो तू छोड़ दो फाइट। वो मोहब्बत में लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बल्कि जान तक दी है। तेरे हिस्से में तो एक मामूली सा इम्तिहान आया है। Unbelievable, Dad. Unbelievable. ये आप कह रहे हैं? बचपन से लेकर आज तक आपने सिर्फ मुझे एक चीज सिखाई है, फाइट फाइट एंड फाइट, और अब आप ये कह रहे हैं it's unbelievable. तो तुम्हें मेरी शफकत और मोहब्बत पे शक है? ये तो मेरा प्यार है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की खुशियां देने के लिए वो अपने फैसले से पीछे हट रहा हूं। मेरी फाइट अटैक बाय। तुम्हारा दिलशेर इस रुस्तम को हराएगा? इम्पॉसिबल। हराएगा, जरूर हराएगा, वेरी सून। Thank you.
तुम अभी तक सोए नहीं? हाँ वो बस नींद नहीं आ रही। क्या बात है बेटा, कोई बात डिस्टर्ब कर रही है? अपनी माँ से शेयर नहीं करोगे? जो डैड की समझ नहीं आ रही, उन्होंने कितने आसानी से कह दिया कि मार्शल आर्ट्स छोड़ दो, अब जब मैं चैंपियन। तो क्या तुम्हारे नजदीक इस खेल की अहमियत सितारा से ज्यादा है? ये सितारा या मिक्स मार्शल आर्ट्स, इन दोनों में से किसी एक चीज का इंतखाब करना इशू नहीं है। इशू ये है कि मैंने बचपन से डैड की गाइडलाइन को फॉलो किया है, इतने साल दिए हैं मैंने इस चीज को, आपसे फैमिली से दूर रहा। क्यों? क्योंकि डैड ये चाहते थे। चैंपियनशिप सिर्फ एक टाइटल नहीं है मोह, इट्स अ लाइफस्टाइल, और मैं इसका आदी हो चुका हूं। वही तो तुम्हारे साथ ज्यादती है रुस्तम, लेकिन तुम अपने डैड को तो जानते हो ना? नहीं जानता ना, ना आपको जानता हूं, और जान भी कैसे सकता हूं मां? मैंने हमेशा से एक अलग जिंदगी गुजारी है, और अब जब आप लोगों के साथ रह रहा हूं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं। यस, डिसअपॉइंटेड। अच्छा चलो अभी तुम सो जाओ जाकर, कल हम दोनों मिलके चौधरी साहब से बात करेंगे। मॉम आप जाएं, आई स्लीप, गुड नाइट।